Hello students, good morning. And today I hope you will be better in your home. And because coronavirus increasing very fastly nowadays in our areas and every areas of the world. So to take care of yourself and be safe in your home, stay safe. I have come before you to take one topics before you, and that's of topics name is Bhasha Tatha Boli Mein Antar. At first I would like to tell you that I will teach you today subject Hindi Vyakaran part 1, which name Bhasha aur Vyakaran. Okay, so students look at the board. मैं आज आपके सामने भाषा तथा बोली में अंतर क्या है इससे मैं लेकर के आया हूँ. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाषा तथा बोली में अंतर क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड में यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कुछ अंतर, जिसे आप ध्यान से देखेंगे. मैं इसको आपको डिफाइन करके बताऊंगा. ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैं लिख दिया हूँ कि बोली किसी भाषा का ही अंग होती है. डियर स्टूडेंट्स, जो बोली होती है वो किसी भाषा का ही अंग होती है. ऐसा नहीं है कि यह जो बोली है सो किसी दूसरी जगह से आती है, इसका भी संबंध भाषा से ही होती है. किसी विशेष क्षेत्र में या क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में भाषा को ही उसका एक अलग रूप दे दिया जाता है, और किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाता है वही बोली बन जाता है, वो भाषा से ही अलग होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है. कहने का मतलब है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है. आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ भाषा किसे कहते हैं. भाषा जो है ना वो किसी देश के अधिकतर भूभागों में या किसी राज्य के अधिकतर भूभागों में बोली जाती है, जबकि जो बोली है किसी गांव, एक गांव या किसी दो गांव या दो से तीन गांव, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है. बोली का क्षेत्र जो सीमित है, इसका क्षेत्र असीमित नहीं है. ठीक है, तो बोली जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम लोग भाषा कहते हैं, और जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वह बोली कहलाती है. नेक्स्ट टॉपिक सबका है कि बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है. यानी कि बोली जो है ना, हम सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ बोलचाल के लिए करते हैं. जब हम किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम जब क्षेत्रीय जगह में अपने क्षेत्र में होते हैं तो हम वहां पर बोली का प्रयोग करते हैं सिर्फ अपने मन के विचारों को भाव को प्रकट करने के लिए. ठीक है, जबकि भाषा का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है. भाषा का प्रयोग लिखित रूप से भी किया जाता है और मौखिक रूप से भी किया जाता है. यही वजह है कि आप जिस भाषा को हम लोग बोलते हैं वह भाषा आपको किताबों में देखने को मिलेगा लिखा हुआ. आप अगर इतिहास पढ़ेंगे वहां पर भी देखने को मिलेगा, अगर आप भूगोल पढ़ेंगे वहां पर भी देखने को मिलेगा. लेकिन आप जिस बोली को अपने क्षेत्र में बोलते हैं उस बोली का प्रयोग किसी किताब में या साहित्य में नहीं किया जाता है. बोली का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ लोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में बोलचाल के रूप में करते हैं, सिर्फ मौखिक रूप से बोलते हैं अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए. जबकि भाषा का प्रयोग साहित्य की रचना या बड़े बड़े पुस्तक को लिखने के लिए या बड़े कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है. तो मैं आज आपको भाषा तथा बोली में क्या अंतर है मैं आपको आज बतला दिया हूँ, और इसके बारे में आज स्पष्ट कर दिया है. मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. एंड स्टूडेंट्स, आई विल कम बिफोर यू टू टेक नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे. ओके, थैंक यू.